हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो ये जो मार्केट में जो नए बिगिनर्स हैं और जो अभी सोच रहे हैं कि मार्केट में अभी निवेश करना चाहिए, तो यस, ये वीडियो आपको डेफिनेटली काम में आएगा। क्योंकि अगर आप अभी सोच रहे हो कि मार्केट में आपको निवेश करना है, तो सबसे पहला पॉइंट आपके मन में आएगा कि मैं पहले शेयर जो है, मतलब जो पहला इन्वेस्टमेंट है मेरा मार्केट में, वो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और मैं कैसे उसको बाय करूं, राइट? तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में स्टॉक सिलेक्शन से लेके ब्रोकरेज सिलेक्शन जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, आपके पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेजेस है, वो स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली अकाउंट, मतलब जब आप ट्रेडिंग करने वाले हो या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हो, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, ये है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपका ट्रेडिंग अकाउंट होने वाला है। तो स्टॉक ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑफलाइन और दूसरा होता है ऑनलाइन। तो अभी काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी आपके लिए बहुत इजी होता है। पहले एक समय था जहाँ पे ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी और आप डीलिंग डेस्क में जाके वहाँ पे ब्रोकर के साथ बैठ के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अभी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है। जो अभी नए जो गैजेट्स आ रहे हैं, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, राइट? और नए काफ़ी सारे एप्लीकेशंस भी स्टॉक ब्रोकर ने बनाए हुए हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं, राइट? तो जैसे बात करेंगे कि जीरोधा का प्लेटफॉर्म हो गया, अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रो एप्स हो गया। तो ये सारे आपको, इतने सारे आपको अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे अकाउंट ओपन करके आप आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो स्टॉक ब्रोकर है, इसका काम होता है आपको सर्विस देना टाइम टू टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टॉक ब्रोकर सिलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान में रखनी है कि सर्विस आपको क्या मिलने वाली है। ये ब्रोकर जो है, सबसे पहले तो ये पुराना ब्रोकर होना चाहिए। जैसे आप बात करेंगे कि एंजल ब्रोकिंग जो है, एंजल ब्रोकिंग है, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है, काफ़ी सारे एडलवाइज है, रेली गियर है, ठीक है, काफ़ी सारे ये पुराने ब्रोकर है दोस्तों, जहाँ पे आप आपके डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो जीरोधा में डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करें, उसका भी लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है, काफ़ी आसान है, ऑफलाइन आप कर सकते हो। अभी जो चॉइस है लोगों की थोड़ी सी, और जो कॉम्पिटिशन है ब्रोकर में, तो इसकी वजह से आपको सर्विसेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज। यस दोस्तों, अभी जो डिस्काउंट ब्रोकरेज का जो पहले मार्केट चल रहा था, जैसे खास करके जीरोदा, कि आप पर ऑर्डर जो है, जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है आपकी, उस हिसाब से आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो अभी जो ऑफलाइन या जो बड़े ब्रोकर हैं, ऑफलाइन ब्रोकर में मेन ब्रोकर जो है, जिनके ब्रांचेस होती है, वो लोगों ने भी अभी ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। वो भी पर ऑर्डर ही आपसे अभी ब्रोकरेज लेते हैं। तो इतनी कंपटीशन आ चुकी है, तो आप एक अच्छा सा ब्रोकर पहले सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो, ठीक है? क्योंकि एंड ऑफ द डे जब आप फंड ट्रांसफर करने वाले हो, तो फंड ट्रांसफर करने के बाद एक कंपनी के अकाउंट में जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपका पैसा पार्क होता है। लेकिन अभी सेबी का रूल आ चुका है कि सेबी के रूल में आपको मंथली बेसिस जो है, आपको कंपलसरी पे आउट जो है ब्रोकर को करना पड़ता है, वो आपका पैसा नहीं होल्ड कर सकता है। तो वो भी एक अच्छा है, कस्टमर के हित में ही जो है, इन्वेस्टर के हित में ही वो वहाँ पे उन्होंने चेंजेस लाए हुए हैं। तो जब स्टॉक ब्रोकर की बात करेंगे, तो सबसे पहले सर्विस आपको देखना है, क्या क्या सर्विस वो ऑफर कर रहा है। सर्विसेज में ऑर्डर के टाइप क्या क्या आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर टाइप के ऊपर भी हमारे वीडियोस बने हुए हैं कि आपका लिमिट ऑर्डर जो है, ठीक है, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो फिर उसके लिए कवर ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, या फिर आप जीटीसी ऑर्डर जो होते हैं, गुड टिल कैंसल जिसे कहते हैं, तो जीटीसी ऑर्डर वहाँ पे अवेलेबल है क्या, जहाँ पे हम वन ऑर्डर कैंसल जो है,
वन ऑर्डर कैंसल का जो है ऑप्शन दिया जाता है कि एक ऑर्डर कैंसिल होने के बाद अगर आप एक स्टॉप लॉस लगा दो या फिर आप टारगेट लगा लो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो टारगेट का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, अगर टारगेट हिट हो गया तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो वन कैंसिल अनदर वाला ऑप्शन होता है, तो उसमें वो फैसिलिटी है कि, तो ये सारी सर्विसेज आपको पता होनी चाहिए जब आप कोई डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक है कि आपका डीमैट अकाउंट भी वही ब्रोकर के साथ अगर होता है तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। लेकिन अभी काफ़ी सारे नए चेंजेस भी आ चुके हैं, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप जब डीमैट से कोई सेल करते हैं आपके होल्डिंग को तो आपको ओटीपी आता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं हमने। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है जब आप स्टॉक मार्केट में पहला शेयर बाय करने के लिए जा रहे हो, तो आपको स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी देखते हैं दूसरा स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप है दोस्तों रिसर्च। यस दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम मतलब यहाँ पे ऐसे लोग जो मार्केट में दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं और पहले कर देते हैं इन्वेस्ट, ठीक है, और बाद में करते हैं रिसर्च। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। रिसर्च जो है आप जिस स्टॉक में बाय करने वाले हो वो बहुत पहले आपको करना है, ठीक है। तो रिसर्च करते समय आपको काफ़ी हद तक रिसर्च क्या क्या, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि आपको बहुत एकदम डेप नॉलेज चाहिए, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हो तो उसमें आप देख टेक्निकल्स और डेरिवेटिव जो है और साथ ही साथ फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया हुआ है। और इतना ही नहीं, मार्केट में गूगल पे आप करते हो तो काफ़ी सारे रिसर्च आपको ऑनलाइन आप खुद भी कर सकते हो और सिंपल है वहाँ पे काम करने का तरीका, ठीक है। तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद सोचने से, बाद में सोचने से बेटर है कि आप पहले सोच के इन्वेस्ट करें। इसलिए बोला जाता है ना, एनएसए आपको हमेशा बोलती है कि सोच समझ कर इन्वेस्ट कर, राइट। तो पहले सोचना है, ठीक है। तो क्या सोचना है तो वो हम बात करेंगे अभी। इसके ऊपर ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है। आपको सबसे पहले जो है दोस्तों टेक्निकल में जो है टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको डिरेक्शन ऑफ द मार्केट बताता है, राइट। टेक्निकल आपको इसलिए पता होना चाहिए कि मार्केट अपसाइड जा रहा है या डाउनसाइड आ रहा है, ये जानकारी करने के लिए, मतलब इंडिकेशन करने, ये जो है मार्केट के इंडिकेटर आपको पता चल जाते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, जो आपको बताते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। तो ये आपको ये ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट के जो कहते हैं वो पता करने के लिए हेल्प करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं, स्ट्रैटेजीज बनाई हुई है, वो आप देख सकते हो। जहाँ पे आपको सिंपल, मैं आपको ये वीडियो के एंड में कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ सिंपल, जिसको आप पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए भी यूज कर सकते हो, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये ज़रूरी होना चाहिए, आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो टेक्निकल आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है दोस्तों। आपको ये ध्यान में रखना है आपको ट्रेंड फॉलोअर होना है, ठीक है। आपको ट्रेंड फॉलोअर होना है, ना कि ट्रेंड प्रिडिक्टर होना है। मतलब कैसा है कि अगर सपोज मार्केट डाउन आ रहा है और मैं बाय करते जा रहा हूँ लेकिन मार्केट बहुत ही नीचे आ गया तो मुझे लॉस हो सकता है, तो मैं बाय ऑन डिप कब यूज करूँ, या फिर मुझे ऐसा कौन सा स्टॉक है जो बाय ऑन डिप करना चाहिए कि गिरने के बाद नीचे आने के बाद मैं ले सकता हूँ, तो इसके लिए भी आपको स्टडी करना ज़रूरी है। तो वो स्टडी कौन सा है, तो वो स्टडी है दोस्तों वो है फंडामेंटल एनालिसिस। ये दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स अगर आपको पता है तो आपको अच्छा खासा आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, ओके। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो थोड़ा सा मैं फंडामेंटल के बारे में भी वीडियोस हमारे बने हुए हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। आपको जो है दोस्तों बुक वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले। बुक वैल्यू मतलब ये होता है कि कंपनी का अगर दिवाला निकल जाए तो आपको वापस कंपनी पैसा दे सकती है कि नहीं। तो सपोज कोई एक्स वाई, जैसे मैं यहाँ पे गुजरात अलकरी का एग्जाम्पल दूंगा जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी ट्रैक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये स्टडीज आपको बता रहा हूँ कि गुजरात अलकली का अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो ये बुक वैल्यू है कम से कम 650 रुपये का बुक वैल्यू है, और अभी रेट चल रहा है 400 से 420 रुपये। तो यहाँ पे इसका मतलब ये कि अगर कंपनी का दिवाला निकलता है तो भी कंपनी आपको 650 रुपये दे सकती है, क्योंकि बुक वैल्यू ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके निकलती है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपको इसकी पेइंग कैपेसिटी आपको कंपनी की पता चलती है, लेकिन अभी शेयर चल रहा है 400 to 420 रुपीज़। तो इसमें अपसाइड जो है 200 रुपये का, मतलब 50% का अपसाइड मुझे दिखता है।
लेकिन इसके साथ में और क्या चीज़ है, इसमें और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बुक वैल्यू जो है उसके साथ आपको ध्यान में रखना है डिविडेंड यील्ड, कि ये कंपनी डिविडेंड कितना देती है, कितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देती है। ठीक है, ये एक रेगुलर इनकम के लिए आपको काम में आ सकता है। मैं ज़्यादा डेप में नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं मेरे। उसके बाद आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी यहाँ पे पता होना चाहिए, रेट कितना है। मतलब अगर मैंने जो भी मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, मार्केट में मतलब जो मार्केट से मेरे पैसा उठाया हुआ है कंपनी ने, और जब ये कंपनी ने बिजनेस के लिए लगाया तो सामने कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकाला हुआ है। तो इक्विटी के सामने सपोज 15% या फिर 10% से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है रिटर्न दोस्तों, सॉरी 10% से ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से ये भी एक आपके लिए विन विन सिचुएशन है, जहाँ पे इस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है दोस्तों, डेट फ्री कंपनी। डेट फ्री कंपनी हमेशा देखिए जिस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। काफ़ी सारे शेयर्स आपको बुक वैल्यू के 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स ट्रेड करते हुए दिखेंगे। मतलब 300 रुपये की बुक वैल्यू है, लेकिन शेयर जो है ऐसा 1500 रुपये चल रहा है या फिर 3000 रुपये ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से आपको दिख सकता है। ये इसीलिए दिखता है क्योंकि कंपनी का जो एसेट एंड लाइबिलिटी है, जो बैलेंस शीट, उससे अच्छा कंपनी की ग्रोथ है। ओके, जो कंपनी की ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, आप बोल सकते हो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बढ़ रहे हैं, तो ये ग्रोथ अगर कंपनी में है तो उसी समय जो है आपको बुक वैल्यू से जो शेयर ज़्यादा ट्रेड करते हुए दिखता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है। तो 5 टाइम्स जो है बुक वैल्यू, ये एक्सेप्टेड है। तो गुजरात अलकली का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो 400 × 5 तो ये हो गया 2000 रुपीज़, जो कम से कम यहाँ से 5 से 7 6 साल में आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से पोटेंशियल है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। और ये फंडामेंटल एनालिसिस जो मैंने आपको बेसिक आपको बताया, ये आपको स्टडी करना जरूरी है, जो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप मनी कंट्रोल पे जा सकते हो, आप जो है screener.in। ओके, तो screener.in का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करिए, तो ये सारी चीज़ें फिल्टर करके स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे, नेक्स्ट है डिसाइड हाउ मेनी शेयर्स टू बाय। भी देखिए यहाँ पे एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि एक शेयर में हमेशा पूरा पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, नेवर इन्वेस्ट ऑल मनी इन वन स्टॉक। ओके, एक स्टॉक में पैसे कभी नहीं डालने। अगर मैं जैसे आप सिंपल रिलायंस जो है अपनी सबसे इंडिया की बड़ी कंपनी है, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरा डाइवर्सीफाई है। ठीक है, ये डाइवर्सीफाई स्ट्रक्चर जो है, ये कंपनी की स्ट्रेंथ है कि अगर मुझे एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह प्रॉफिट हो जाता है, तो इसीलिए मेरा बैलेंस होता है। ये बेनिफिट आपको मिलता है दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन में, इसलिए आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिए, जगह अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हो, ओके, तो उस समय कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो और कौन से सेक्टर में करने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो रेगुलर अगर आप जैसे कि एग्जाम्पल कोई एक स्टॉक आपने बाय कर लिया 10,000 का, ठीक है, एक्स वाई जेड स्टॉक है, और दूसरा स्टॉक आपने बाय कर लिया 50,000 का, ठीक है, ABC स्टॉक। तो ऐसे स्टॉक में क्या हुआ कि 10,000 का स्टॉक जो है ये अच्छा चल गया और इसमें 20% रिटर्न आपको मिला, मतलब ये हो गया 12,000 रुपया, और जो आपने 50,000 का स्टॉक लिया था इस खाली वह यहाँ पे चला 5%, मतलब ये चला खाली 52,500 रुपीज़। ठीक है, तो इतना ही ये वैल्यूएशन हुआ। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पे आपने अगर इक्वली इन्वेस्टमेंट करते थे, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट था आपका 60,000, जिसमें आपको सामने रिटर्न आ रहा है 64,500 रुपीज़, राइट। लेकिन अगर यही मैं इन्वेस्टमेंट इक्वली कर देता था, मतलब 10,000 की जगह में यहाँ पे 60,000 है, तो 30,000 यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करता था और 30,000 यहाँ पे करता था, तो यहाँ पे भी मुझे जो है, जैसे मैंने अभी आपको कहा 20%, तो 6,000 यहाँ पे प्रॉफिट होता था, और यहाँ पे 5% तो यहाँ से 1500 रुपया प्रॉफिट होता था, तो 7,500 रुपया ये मेरा प्रॉफिट होता था, तो मेरा पोर्टफोलियो होता था 67,500। तो ये ब्यूटी है स्टॉक मार्केट की, जो भी शेयर्स आप बाय करने वाले हो, अमाउंट जो है हमेशा इक्वल रखिए, इसे इक्वली वेटेज पोर्टफोलियो कहा जाता है। काफ़ी आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो खत्म होने के बाद आपके पोर्टफोलियो चेक करिएगा,
कोई अच्छे स्टॉक होंगे जिन्होंने आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए, हो सकता है वो 50% से भी ज्यादा रिटर्न आपको दिए होंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है आपके पास होगी लेस। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इक्वली इन्वेस्टमेंट करना है अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो। ओके, इक्वल इन्वेस्टमेंट इन एवरी स्टॉक, इन एवरी स्टॉक, तो हर स्टॉक में आपको इक्वली इन्वेस्ट करना है, एक ही स्टॉक में पूरा पैसा नहीं डाल देना, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो पोर्टफोलियो बनाते समय आपके जो है, अगर आप जैसे फर्स्ट स्टॉक बाय कर रहे हो तो सबसे पहले मतलब फर्स्ट स्टॉक बाय करना ये आपका जस्ट बिगिनिंग है, लेकिन जब आप सेकंड स्टॉक के लिए जाओगे तो आपके पास होनी चाहिए चॉइस, वो होती है सेक्टर्स। जैसे हो गया फिनेंशियल मार्केट जो है, जिसका सबसे बड़ा वेटेज है मार्केट में। ओके, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग फिनेंस, उसके बाद आता है अपना एफएमसीजी, उसके बाद आईटी आता है, फिर उसके बाद आता है ऑटो सेक्टर, फिर आता है मेटल, ठीक है? तो ये सारे सेक्टर्स जो होते हैं, अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। ओके, फार्मा हो गया, फार्मा एक सेक्टर हमारा यहाँ पे छूट रहा है। तो ये फार्मा और आईटी सेक्टर है दोस्तों, ये मार्केट जब नीचे जाता है तो भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डॉलर के साथ इसका कोरिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, बैंकिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ऑटो नहीं चल रहा है, मेटल नहीं चल रहा है, इसका मतलब है सामने आईटी और फार्मा सेक्टर चलेंगे, क्योंकि इसका कोरिलेशन डॉलर से होता है। तो आपका पोर्टफोलियो में अगर बैंकिंग है, ऑटो है और मेटल है, लेकिन फार्मा और आईटी नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए निफ्टी 50 के जो आप स्टॉक देखते हो, अलग अलग सेक्टर से, 10 से 11 सेक्टर से बिलोंग करते हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उस तरीके से ही बनाए गए, तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी तरीके से होना चाहिए दोस्तों, तो ही वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में कुछ टिप्स मैं आपको देके जा रहा हूँ दोस्तों, कि मार्केट में फर्स्ट स्टॉक लेते समय हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले आपको FII DII का फ्लो चेक करना है कि पैसा इन हो रहा है कि आउट हो रहा है। ओके, अगर पैसा इन हो रहा है तो मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, अगर आउट हो रहा है तो फिर नीचे आते हुए मार्केट दिखेगा। उसके बाद इंडियन मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, इमरजेंसी मार्केट क्या ट्रेंड कर रहे हैं, मतलब यूरोप, एशियंस और उसके बाद आपके यूएस मार्केट, तो वो क्या ट्रेड कर रहे हैं, वो भी आपको ट्रेंड चेक करना है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। उसके बाद ट्रेंड ऑफ द सेक्टर भी देखने की, इंडियन मार्केट अगर चल रहा है तो किन सेक्टर की वजह से चल रहा है, उस सेक्टर को आपको प्रेफर करना है। परफॉर्मेंस देखना है, क्योंकि सेक्टर के बाद आपको मिलेगा, उस सेक्टर में स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू कैसे चल रही है, जो आपको मतलब बुक वैल्यू देखी है, फिर उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिल रहा है आपको, पी रेशो क्या चल रहा है, ठीक है? पी रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक सिलेक्शन करते समय, लो पी वाला रेशो ज़्यादा रिटर्न आपको देता है, ठीक है? तो पी रेशो के ऊपर भी वीडियोज बनाए मैंने, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, अर्निंग पर शेयर क्या है इसके लिए, ठीक है? उसके बाद टेक्निकल भी देखना है आपको, तो टेक्निकल में आपको जो भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, जिसका स्टॉक का डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वही आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए दोस्तों, अगर नहीं है तो फिर आपको उसको निकाल देना है, ठीक है? तो एक थोड़ा सा इजी भी हो जाता है आपके पोर्टफोलियो को संभालने के लिए, कि जैसे आपने आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे स्टॉक डाल दिए, 10-15 स्टॉक आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको ट्रैक करना है, तो इसमें आप अलर्ट लगा सकते हो कि भी 200 दिन का जो मूविंग एवरेज इसके ऊपर जाता है तो मेरा होल्ड करना है मुझे, अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो मुझे एग्जिट करके निकल जाना, इतना ध्यान में रखिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो आपको आउटपुट मिलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा मिलेगा, नॉट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा और एक ब्यूटीफुल रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा, और कंसिस्टेंट रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि आप मार्केट के सेंटिमेंट को ट्रैक कर रहे हो, मनी फ्लो को ट्रैक कर रहे हो, मार्केट के ट्रेंड को ट्रैक कर रहे हो, सेक्टर को ट्रैक कर रहे हो, जिसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, मार्केट पे, कि जहाँ से हम ओवरऑल सेंटिमेंट को देख के फिर स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। खाली डायरेक्टली कोई भी स्टॉक उठा नहीं लेना है, ये ध्यान में रखिए, आपको पहले मार्केट क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या परफॉर्म कर रही है, वो भी देखना है। ओके, तो उस तरीके से अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करते हो दोस्तों, तो एक अच्छे खासे फर्स्ट स्टॉक जो है आपके स्टॉक में पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।